हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं एंटी डायूरेटिक्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डायूरेटिक्स कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों उनकी यूज़ होती है, और जो भी ड्रग्स होती हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या मोड ऑफ एक्शन है और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी डायूरेटिक्स, मतलब कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ अ डायूरेटिक्स, यानी वो ड्रग्स, वो एजेंट जो कि डायूरेटिक के प्रोसेस को जस्ट ऑपोजिट कर देती हैं उन्हें बोलते हैं एंटी डायूरेटिक्स। तो सब्सटेंस दैट इनिबिट द वाटर एक्सक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग द सॉल्ट एक्सक्रीशन। तो सब्सटेंस दैट इनिबिट द वाटर एक्सक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग द सॉल्ट एक्सक्रीशन, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि हमारे वाटर के एक्सक्रीशन को इफेक्ट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सॉल्ट एक्सक्रीशन, मतलब कि जो हमारी बॉडी का सॉल्ट है उस पर कोई इफेक्ट ना आना चाहिए मगर वाटर के एक्सक्रीशन पे वो इफेक्ट करे। एंड रिड्यूस द यूरिन आउटपुट, जो हमारा यूरिन का कंटेंट है या यूरिन का आउटपुट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे डायूरेटिक्स में हम यूरिन का जो है एलिमिनेशन के प्रोसेस को बढ़ा दे रहे थे, लेकिन अब हम एंटी डायूरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो एंटी डायूरेटिक्स हमारे वो कंपाउंड है जो कि हमारे यूरिन के प्रोसेस को, एलिमिनेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, यूरिन कंटेंट या आउटपुट है उसे थोड़ा सा घटा देंगे या कम कर देंगे। प्राइमरली इंडिकेशन द डायबिटीज एंड इंडिस्प्यूट्स होते हैं। अब हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं, वो एजेंट हैं जिन्हें हम एज आ एंटी डायूरेटिक्स अपने कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। तो एंटी डायूरेटिक्स हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे वैसोप्रेसिन, डेमोसप्रेसिन, लाइसप्रेसिन एंड टैरलिप्रेसिन, ये हो गए। एंड थायराइड डायूरेटिक्स में हमारे आ गए अमाइलोराइड एंड मिसलेनियस ड्रग्स हमारी हो गई इंडोमेथासिन, क्लोरोप्रोप्रामाइड एंड कार्बामाजेपिन। अब ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन या वो ड्रग्स जो हम एज अ एंटी डायूरेटिक्स अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, देते हैं। तो अब हमारी सिंथेसिस देखते हैं कि जो हमारी एंटी डायूरेटिक्स है उसकी सिंथेसिस क्या है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट द बोथ एंटी डायूरेटिक्स एंड ऑक्सीटोसिन, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हमारे एंटी डायूरेटिक्स एंड ऑक्सीटोसिन दोनों तरीके के जो हॉर्मोन्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं। रेगुलेशन में हमारा ऑस्मोरिसेप्टर एंड हाइपोथैलेमस वॉल्यूम रिसेप्टर इन अ लेफ्ट आर्ट्रियम, जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर एंड हाइपोथैलेमस होते हैं वो हमारे वॉल्यूम रिसेप्टर को लेफ्ट आर्ट्रियम से जो है वो सिक्रेट करते हैं। अब हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो हमारे पल्मोनरी वेन्स एंड स्टिमुलस राइज द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। अब जो हमारे स्टिमुलस होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैरिटी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एंड कॉन्स्ट्रैक्शन ऑफ द CHF वॉल्यूम, जो हमारा ECF वॉल्यूम होता है उसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर घटा देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड जो ह्यूमन फ्रॉम द 8 एड्रेनिन एंड वैसोप्रेसिन, ये हमारा वर्क करता है ह्यूमन में। अब हमारे एंटी डायूरेटिक्स जो रिसेप्टार्स हैं वो देखें क्या हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टार। अब हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार एंड सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टार है जिसमें हमारे टाइप दो तरीके के होते हैं, एक हमारा V1 टाइप का, दूसरा हमारा V2 टाइप का। अब जो हमारे V1 टाइप का रिसेप्टार होता है वो ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रीनल CD सेल्स, मतलब कलेक्टिंग डक्ट सेल्स एंड जो हमारे सेल्स होते हैं वैस्कुलर इंडिथीलियम में, एंड जो इसका सब टाइप है वो V1A एंड V1B है। और जो V1A है हमारा वो वैस्कुलर यूटराइन वेस्लर स्मूथ मसल एंड एडिपोज टिश्यू ब्रेन में पाया जाता है। एंड जो V1B टाइप का होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में, ब्रेन में एंड पैनक्रियाज में पाया जाता है। जो हमारा V2 रिसेप्टार होता है वो मोर सेंसिटिव, उसकी लोकेशन होती है वो हाईली सेंसिटिव होता है। अब जो कलेक्टिंग डक्ट्स इन अ किडनी हमारी होती हैं जो रेगुलर वाटर की परमियबिलिटी को देखती हैं, मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सेल्स होती हैं, ASCLH का मतलब होता है, मतलब जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है वो दो तरीके से वर्क करता है, एक हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से एक नीचे की ओर जाता है। अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक क्लियरली आपको दिखेगा कि जो लूप ऑफ हेनले है तो एक हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, एक हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। तो जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की सेल होती हैं वो हमारी इनएक्टिवेट करती हैं सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन के को ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को, एंड वैस्कुलर इंडोथीलियम एंड वैसोडाइलेटर्स जो हमारी सेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं।
अब हम देखते हैं कि एक्शन क्या है। जो भी हम अपनी एंटी डायूरेटिक्स की कैटेगरी की ड्रग को दे रहे हैं तो उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में जा कर के कैसे वर्क कर रही हैं। तो एक्ट ऑन अ सीडीजेड यानी कि जो हमारी कलेक्टिन डक्ट की सेल्स हैं वो जाएंगी वहाँ पर पे और क्या करेंगी, इंक्रीज द परमिएबिलिटी, वहाँ पर परमिएबिलिटी को इनक्रीज़ कर देंगी, वाटर गेट एब्जॉर्ब और जो हमारा वाटर है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जो यूरिन का कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ये सेल हमारी क्या कर रही है कि यूरिन के जो बड़ा हमारा एलिमिनेट यूरिन एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है, मतलब कि उसमें जो वाटर एंड सोडियम का अमाउंट बढ़ा हुआ है उससे ये थोड़ा सा उसको कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, मतलब जो यूरिनेशन में बार बार या जल्दी या फ्रिक्वेंटली हो रहा था अब वो हमें थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो उसी में ये हमारी सेल्स क्या करेंगी, वर्क करेंगी कि सीडी सेल्स पे वर्क करेंगी, तो जिसमें हमारी परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा यानी कि रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को ये रोक देंगे और जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा बढ़ जाएगा। हाइपर ऑस्मोलर यूरिन विद द सेम ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूला एंड ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, अब ब्लड वेसल्स पे ये अपना इफेक्ट कैसे शो करेंगी, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल वाया V1 रिसेप्टर। अब जो हमारा V1 रिसेप्टर है उसके जरिए ये हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रक्ट कर देंगी, मतलब थोड़ा सा सिकोड़ देंगी एंड जो हमारा BP है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रक्ट होंगी ऑब्वियस सी बात है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है जो वो हमारा बढ़ ही जाएगा कि जब वेसल कॉन्स्ट्रक्ट हुई छोटी हो गई तो जो हमारे ब्लड जिस स्पीड से फ्लो कर रहा था वो अब उस स्पीड को कम कर दिया जाए, नैरो कर दिया जाए तो जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रक्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ द V1 रिसेप्टर तो हमारा BP जो है ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कॉज द स्मूथ मसल एंड हाइपरट्रॉफी। जो हमारी प्रोलॉन्ग्ड स्मूथ मसल थी उसकी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर उनका होने लगेगा। अब हमारी ये अगर GIT में जाए मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जाकर के ये अपना क्या इफेक्ट देती, इंक्रीज द पेरिस्टेसिस, ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देती क्योंकि आपको पता है कि हमारे GIT में ये मूवमेंट जो है वो होता रहता है एंड इवैक्यूएशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द गैसेस। और जो हमारी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हमारे गैस का इवैक्यूएशन एंड एक्सपल्सन जो है वो होने लगेगा, ये यानी कि एक्सपल्शन ऑफ द गैसेस के प्रोसेस को बढ़ा देंगे। और जो यूट्रस है यूट्रस पे क्या इफेक्ट करेंगी जा करके, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द AVP एक्टिंग ऑन द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। अब ये क्या करेंगी कि हमारे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी और इंक्रीज कर देंगी ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को कॉन्स्ट्रैक्ट भी करेंगे और उसकी एक्टिविटी को जो है ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी या सेंसिटिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब देखते हैं कि ये CNS पे जा कर के यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम अपनी एंटी डायबिटिक्स की कैटेगरी की ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो ये क्या इफेक्ट देती हैं। AVP डिजन नॉट पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारी एंटी डायबिटिक्स की जो ड्रग हैं अब ये हमारे CNS पे जाएंगी तो क्या करेंगी, इट डज़ नॉट पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जा कर के अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती एंड एक्ट एज अ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करेंगी, एक एज अ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर की तरीके जा करके काम करेंगी या अपना एक्शन जो है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में शो करेंगी। रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम पे ये एज अ टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगी, एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर वर्क करेंगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपना जो है वो इफेक्ट देंगी, टास्क लर्निंग एंड ACTH रिलीज करेंगी, ये हमारी बॉडी में जा कर के CNS पे इफेक्ट देंगी। इसके अलावा कुछ ये तो हमने पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट देख लिए कि GIT पे क्या इफेक्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। अब इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट हैं जो ये ड्रग हमारी बॉडी में देती हैं तो उनके अदर यूजेस और क्या क्या हो सकते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन में, हिपैटिक ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, कोएगुलेशन फैक्टर एर्थ को रिलीज करेंगी एंड नॉन वेल्डरबल्स फैक्टर जो है वो रिलीज करेंगी। मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन देखते हैं कि जो हमारा V2 रिसेप्टर टाइप है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रिंसिपल सेल ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स इंक्रीज द एक्वापोरिन्स एक्सप्रेशन लीडिंग एंड इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये कैसे वर्क करते हैं कि इनका जो प्रिंसिपल वो बेस्ड होता है कि जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उसमें हमारे
वाटर के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को ये इंक्रीज कर देती एंड डिक्रीज द यूनियन फॉर्म. जब वाटर के प्रोसेस जो हमारा वाटर के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगी इनिबेट कर दे इंक्रीज कर देंगी सॉरी तो हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज द वैसोप्रेसिन रेगुलेट द यूरिया ट्रांसपोर्टर. इंक्रीज कर देंगी वैसोप्रेसिन को एंड रेगुलेट करेंगी यूरिया के ट्रांसपोर्टर को. एक्सप्रेशन द टर्मिनल्स सीडी सेल्स मतलब कलेक्टिंग डक्ट सेल्स एंड इंक्रीज द मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी एंड इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज द यूरिन फॉर्म. एक तो इस तरीके से फर्स्ट हमने वी टू रिसेप्टर को देखा कि हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में जा करके एंड इंक्रीज कर देंगी वाटर के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को. जब वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो यूरिन है वो उसका प्रोसेस जो है मतलब यूरिन का जो फॉर्म होने का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा घट जाएगा. और दूसरे तरीके से ये कैसे वर्क करेंगे कि ये वैसोप्रेसिन को इंक्रीज कर देंगी जो कि यूरिया के ट्रांसपोर्टर को रेगुलेट करता है जो हमारे सी डी सेल के मतलब कि कलेक्टिंग डेस्क के टर्मिनल्स में पाया जाता है. अब ये इंक्रीज कर देंगी मेड्यूलर हाइपरटोनिसिटी को जिससे हमारे वाटर के एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा. जब वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने लगेगा तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर हमारी यूरिन से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा और फिर हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे घटने लगेगा या धीरे धीरे कम होने लगेगा. अब जो V1 रिसेप्टर है वो किस तरीके से वर्क करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट वाई आर रेक्टा. अब ये क्या करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा हमारे रेक्टा को एंड डिसमिनिश द ब्लड फ्लो इनर मेडुला. जो हमारा इनर मेडुला है उसमें हमारे ब्लड फ्लो को डिसमिस्ड कर देगा एंड रिड्यूस द वॉशिंग ऑफ द इफेक्ट हेल्प टू मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी. वाटर के वॉशिंग इफेक्ट को इफेक्ट करेगा वॉशिंग को और मेंटेन एंड जो हमारे हाई ऑस्मोलैरिटी के प्रोसेस को मेंटेन करेगा रेगुलेट करेगा एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एज अ डायूरेसिस के प्रोसेस को ये क्या करेगा कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेगा. मतलब अपना एज अ डायूरेसिस प्रोसेस जो है वो एंटी डायूरेटिक्स का प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में शो होने लगेगा दिखाने लगेगा. मतलब कि जो हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था वो अब धीरे धीरे जा करके रिड्यूस होने लगेगा. अब एडवर्स इफेक्ट क्या क्या इसके हो सकते हैं ट्रांसिएंट हेडेक की कंडीशन फ्लैशिंग की कंडीशन नेजल इरिटेशन हो सकती है कंजेशन हो सकता है ब्लीचिंग हो सकती है नोजिया की कंडीशन हो सकती है हाइपोनेट्रीमिया एंड फ्लूइड रिटेंशन. दीज आर अ सिम्टम्स ऑफ अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ एंटी डायूरेटिक्स. जो हम अपनी एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स ले रहे हैं हो उनसे हमें जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो हमने देखे कि इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें ड्रग्स पढ़ी थी उसके अलावा बहुत सारी ऐसी और भी ड्रग्स हैं जो कि हम एज अ एंटी डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं. तो उसमें हमारी कौन सी ड्रग है एक बार देख लेते हैं. अमाइलोराइड ड्रग जिसमें हमारी इंडोमेथासिन आती है ड्रग ऑफ द चॉइस रिड्यूस द पॉलीयूरिया रीनल डायूरेटिक्स एंड रिड्यूस द रीनल पीजी मतलब पॉलीग्लाइकोलिसिस की सिंथेसिस को रिड्यूस करने के लिए. एंड जो हमारी क्लोरप्रोपामाइड आती है वो लॉन्ग एक्टिंग एंड सल्फोयूरिया ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स होते हैं. अब ये क्या करते हैं सेंसिटाइज ऑफ द किडनी एंडी एंटी डायूरेटिक्स के एक्शन को एंड कार्बामाजेपिन हमारी एज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो यूज होती है. तो हमारी ये कुछ अदर टाइप के डायूरेटिक्स की ड्रग्स थी जो हम यूज़ करते हैं अपनी डायूरेटिक्स के प्रोसेस को या फिर हमने जो देखा एज अ एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल. आज हमने पढ़ा था एंटी डायूरेटिक्स. सो थैंक यू क्लास.